habla. ¿Bicho? ¿Ve cómo habla? मैच में भी 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर EXD वाले पैसा खड़ा खाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर बिच्छू गैंग वाले गीदड़ जैसे यहाँ पर मंडरा रहे हैं। और इसी के साथ गैंग हुआ पूरी बिच्छू गैंग यहाँ पर जमा हो चुकी है XDG की हेल्थ मक्खन जैसी पगलती हुई नजर आती हुई और एक गया दूसरे की ओर गई लेकिन लौड़ियल का तलवार बिछाने के बावजूद उनकी हत्या नहीं हो पाई। थोड़े टेक्निकल इश्यूज की वजह से लैग हो रहा है। इसी वक्त पर शाइनी एक्स ने मौके का फायदा उठाते हुए ऊपर का टावर खाने की कोशिश करे लेकिन अफसोस उनका डैमेज काफी लग रहा नहीं है और जीनियल अभी तक अपने टावर की गांड बचाने के लिए वहां तक पहुंचे नहीं और इसी के साथ शाइनी जीनियल को देखते ही वहां से गांड बचाकर भाग लिए। जीनियल ने अपना गोला बनाया लेकिन अफसोस वो अभी भी हलवाई जी डर रहे नहीं और अपने वजनदार अंदाज का वहाँ पे दबाव बनाए रखे हुए और जीनियल को कॉन्स्टेंटली हरास कर रहे हैं। और इसी समय पर चौकीदार दोनों टीम के घूमते हुए जेडर चौकीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और मैच काफ़ी ठंडा पड़ते हुए नज़र आ रहा है। EXD वाले नीचे सरबू भैया की लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं और जेडर यहाँ चौकीदारी करते हुए आपको बुश में नज़र आएंगे और जोकर जो कि काजू खेल रहे हैं वो किसी मौका ढूंढ रहे हैं किसी के गांड में लक्ष्मी बॉम्ब लगाने का और दिवाली के नाम पर अभी रॉकेट पे रॉकेट छोड़कर ये लेन को क्लियर किया जा रहा है। सरबू भैया आगे आकर मूट मारू हाथ से मिनियन को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे और काजू अभी भी मौका ढूंढते हुए लक्ष्मी बॉम्ब लगाने के लिए ऊपर का दर्द भी आ चुके हैं और डेक्स्टर भी मौका देख रहे हैं सरबू भैया की मारने के लिए। अभी तक सरबू भैया काफ़ी टावर के हिफाजत के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। EXD दर्द अभी भी झाड़ियों में बैठे हुए हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं, सही मौके का। काजू अंदर आए, सरबू भैया ने शायद पता नहीं उन्होंने खतरा ये सूंघा नहीं और काजू ने उनके गांड में लक्ष्मी बॉम्ब लगाते हुए और तितली ने भी अंदर घुसकर मिलकर बेरहमी से सरबू भैया की हत्या कर दी और मुकुंदा यहाँ पर टावर की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अफसोस EXD वालों ने घेर लिया और घेरते घेरते पैसा कीड़ा भी खाने की कोशिश करी। लौड़ियल ने अपने जादुई तलवार बिछा दी लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाए। मुकुंदा यहाँ पर मंडरा रहे, वॉचमैन गिरी कर रहे लेकिन अफसोस कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। लौड़ियल ने फिर से तलवार बिछाई लेकिन अफसोस कुछ उखाड़ नहीं पाए लेकिन दर्द EXD चढ़े लौड़ियल पे और उनको मारने की कोशिश की लेकिन उनको बर्स्ट डाउन करके थोड़ा पीछे हट गए और लौड़ियल को कुछ डैमेज पड़ रहा नहीं है। डेक्स्टर और चौकीदार मीना यहाँ पे वॉचमैन गिरी कर रहे हैं और जंगल की तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। सरबू भैया का पुनर्जन्म हो चुका और वापस नीचे आ चुके हैं। काजू बुश में बैठकर कुछ कांड करने की सोच रहे हैं और सरबू भैया पे उन्होंने दिवाली की रॉकेट छोड़ी लेकिन मुकुंदा सही टाइम पर आ गए और सरबू भैया अंदर घुसे। मूट मारू का हाथ पड़ते ही काजू की हालत पतली हो गई लेकिन और यहाँ पर बिच्छू गैंग वाले सब लोग रोटेशन दे चुके और लगता है यहाँ काजू का गैंग बैंग होने वाला है और इसी के साथ काजू की बेरहमी से हत्या हो गई। थाने यहाँ पर काफ़ी डैमेज खा गए टावर के हिट से और पीछे जाते हुए नज़र आ रहे, बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा यहाँ पर। बिच्छू गैंग की काफ़ी अच्छी रणनीति अभी उनका रेड बफ चुराने के लिए अंदर घुसे जंगल में और मूट मारू आगे जा जाकर सरबू अपना हाथ मारने की कोशिश कर रहे लेकिन अफसोस काफ़ी देर रुक लिए ऐसे बिन बुलाए मेहमान। ऊपर की तरफ हलवाई काफ़ी हवस के पुजारी हो चुके हैं और हावी हो रहे जीनियल पे और उनको बार बार सताने की कोशिश कर रहे। जीनियल पता नहीं क्या कर रहे हैं, उल्टी दिशा में भागते हुए नज़र आ रहे हैं, शायद अपने टीम को बचाने की जाने की इच्छा हो रही है उनकी। और यहाँ पर मुकुंदा रिकॉल करने की कोशिश कर रहे और जेडर उन्हें शायद जाने नहीं देना चाहते लेकिन अफसोस स्लिम्स का पड़ा स्टन और इसी के साथ वो आसानी से घर निकल लिए। काफ़ी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं और EXD दर्द ने देख लिया है स्लिम्स अकेला मिल चुका है और तितली ने मौका छोड़ा नहीं, मौके पे चौका मार दिया है। सरबू भैया अंदर घुसे गोल घुमाते हुए सबको अपने मूठ मारो हाथ से मारा, सबकी हालत पतली होती हुई नजर आ रही है। EXD दर्द काफ़ी ऑलमोस्ट मर चुके और सरबू भैया अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है और दर्द भी काफ़ी थकेले लग रहे हैं और पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। मुकुंदा वहाँ पर अकेले फंस गए, कोई भी टीममेट नहीं है और जेडर बस वहाँ पे हुल्कियाँ दे देकर उनको उकसा रहा है। ऊपर की तरफ हलवाई और जीनियल के बीच में अभी भी डांडिया चल रहा है और दोनों एक दूसरे को समान डांडिया खेले जा रहे हैं, एक दूसरे के डंडे से एक दूसरे को मारे जा रहे हैं और शीनेक्स काफ़ी अभी भी अग्रेसिव पुश करते हुए नजर आ रहे हैं, रोटेशन नहीं दे रहे। नीचे काजू आ चुका है,
दिवाली का रॉकेट छूट चुका है और फटा, लेकिन मुकुंद यहाँ पर अकेले छूट चुके हैं, बिच्छू गैंग वाले शायद भूल चुके हैं उनके बारे में। और मुकुंद अंदर गए, उन्होंने स्टन मारा, लेकिन अफसोस स्लिम्स वहाँ काफ़ी देर से पहुँचे और उनका स्टन भी चूक गया। जेडर की वो मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हिफाजत से पीछे हट चुके हैं। मूट मारू भी पीछा चुका है, लेकिन ऊपर क्या देख रहे हैं, EXD दर्द और हलवाई ने मिलकर जीनियल की बेरे में से हत्या कर दी है और ऊपर का टॉवर अच्छे से पुश करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉरियल वहाँ पर अपनी तलवार बिछाते हुए कुछ उखाड़ नहीं पा रही, स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर खाली लेन क्लियर कर रही है। यहाँ पे बिच्छू गैंग के 3 मेंबर्स आ चुके हैं और वो पीएम पीछे से उन्होंने रोटेशन दिया और उन्होंने इस खरगोश पे कूदी मारकर उनकी हत्या कर दी भेरे में से। EXD वाले अभी भी अच्छी तरह से रोटेशन देते हुए और बहुत ही अच्छा रणनीति के साथ खेलते हुए और सबकी हेल्थें पिघलते हुए, इसी के साथ लॉरियल खरगोश के जाने के बाद कुछ उखाड़ नहीं पाए बिच्छू गैंग वाले और लॉरियल की तो ऐसे ही हत्या कर दी बेरहमी से। मुकुंदा बेचारे यहीं पर नीचे वाली जंगल में छूट गए थे और वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहे, पैसा कीड़ा आराम से ले रहे हैं EXD वाले और मुकुंदा को इस बार शायद जाने नहीं देंगे और इसी के साथ टावर के अंदर घुसकर हत्या करने की कोशिश। लेकिन मुकुंदा काफ़ी अभी तगड़े हो गए, उन्होंने घी की रोटियां तोड़ी है और अभी तक काफ़ी टैंकी हो चुके हैं और वो आसानी से मरने वालों में से नहीं है। इसी के साथ शायद नीचे का टावर ये मिनियंस ही खा गए हैं और सरबू भैया उसी टाइम पर स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर गलियां साफ करने के लिए सही टाइम पर पहुंचे। ऊपर सीनियर ने क्लीन कर दिया है और यहाँ पर चौकीदारी काफ़ी अच्छी चल रही है और मीना ने वॉचमैन का रोल काफ़ी अच्छे से निभा कर रखा है और यहाँ पर लॉरियल शायद उन पर गैंग होने वाला है, लॉरियल की मरने वाली है, लेकिन वो लोग किसी और पर है, जीनियल पर जादू की पप्पी पड़ी राजू की और इसी के साथ काजू खिलाने की कोशिश। लॉरियल ने एक एक करके तलवार डाया, यहाँ पर हलवाई की दुकान खुल गई है और सबको बर्फी पेड़े खिलाए जा रहे, लेकिन हलवाई की गांड फाड़ दी है और इसी के साथ हलवाई को वापस अपने घर पहुंचा दिया है अपने दुकान में। EXD वालों पर यह पैतरा उल्टा पड़ गया और यहाँ पे EXD दर्द अपनी गांड बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लॉरियल काफ़ी हवस की पुजारिन हो गई मीना को मारने के लिए, लेकिन अफसोस अंदर घुसते ही EXD दर्द ने तितली के साथ बस से उड़ा दिया और इसी साथ अभी थेन यहाँ पे फंस चुके अकेले बेचारे और तितली आराम आराम से अपनी चक्कू से मार मार कर उन्हें फाड़ने की कोशिश करे और आखिर में काजू वहाँ पर पहुँच चुके और उनके गांड में लक्ष्मी बॉम्ब डालकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। यहाँ पर जीनियल अकेले पड़ चुके हैं और ऊपर का टावर क्लियर करने की कोशिश कर रहे और खरगोश बीच में आ चुका है, किसी को गाजर खिलाने का प्रयास कर रहे, लेकिन दर्द इतना अच्छा तितली खेल लेते हैं EXD दर्द जो एक एक करके सबकी ले रहे और उनका पैसिव उनका अल्टीमेट का रीसेट करवा कर चेन रिएक्शन क्रिएट कर। सरबू भैया की यहाँ पर नज़र है, सरबू भैया कुछ उखड़ने वाले हैं, लेकिन शायद EXD वालों को कानों कान खबर हो चुकी है और दूसरी तरफ से यहाँ पे हलवाई बड़े बड़े ख्वाब उड़ा रहे हैं और डार्क स्लेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस सरबू भैया का ये पैतरा फ्लॉप हो गया और EXD वालों ने सूंघ लिया खतरा इसे और इसी के साथ काजू ने अकेले ही पैसा कीड़ा ले चुके हैं और मुकुंदा बस यहाँ पर भी हेल्पलेस से फील हो रहा है उनको और इसी के साथ ब्लू बफ भी काफ़ी इजीली EXD वालों ने चुरा लिया। ये खरगोश नीचे की गली साफ करते करते काफ़ी आगे निकल चुके और इसके बाद सरबू भैया और खरगोश दोनों फंस गए, मूट मारो की हेल्थ पिघल चुकी है, काजू ने रॉकेट छोड़ते हुए लक्ष्मी बॉम्ब गांड में लगाते हुए बहुत ही देर से पूछे बिच्छू गैंग वाले बाकी के मेम्बर्स और अफसोस उन्होंने अपने 2 मेजर डैमेज वाले प्लेयर्स गवा दिए और जीनियल उछल कूद करते करते अपनी गांड बचाते हुए टावर की हिफाजत के अंदर आने की कोशिश करे और EXT वाले हर तरफ से गले गर्दन पर चाकू लटके जैसे पुश करते जा रहे और एक भी गलती होने नहीं दे रहे। मुकुंदा की हालत काफ़ी पतली हो चुकी है, हलवाई ने दुकान लगा दी है और बर्फी पेड़े बांटना चालू हो गया, इसी के साथ मुकुंदा की भेरे में से हत्या कर दी राजू ने और अभी लॉरियल अभी भी बची हुई है, लेकिन काजू वहाँ पर सही सही पर आ गए, उनके गांड में एक लक्ष्मी बॉम्ब लगाया है और दिवाली मना ली। खरगोश और सरबू भैया का पुनर्जन्म हो चुका है और खरगोश इस गेम में किसी के गांड में गाजर डालने की कोशिश कर रहे बार बार, लेकिन अफसोस कुछ उखाड़ ही नहीं पा रहे क्योंकि EXD दर्द उनको ही टारगेट करके रखे हुए, उन पर काफ़ी प्यार आया हुआ है EXD दर्द का और इसी के साथ सब लेन में पुश करते हुए दबाव डाल रहे और 3 दिन से हगे नहीं ऐसा प्रेशर डाला हुआ है और इसी के साथ अंदर सरबू भैया घुसने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस इतना टैंकी हो चुके और इतना बर्स्ट डैमेज था कि उनको
सामूहिक बलात्कार करते हुए गायब कर दिया। मुकुंदा भैया आ गए लेकिन अफसोस वो भी अकेले अंदर घुसते ही उनको भी पिघला दिया है मक्खन की तरह। और लॉरियल ने अपना अल्टी का इस्तेमाल करते हुए, जीनियल ने भी कूद कर बहुत बड़ी गलती कर दी शायद, और उनकी भी हलते पिघड़ गई। हलवाई की दुकान वापस लग चुकी है और शायद यही विजय पथ की ओर पहला गेम जाते हुए ईएक्सडी की तरफ से नजर आते हुए, और ये आखिरी मौका और पूरा टीम यहाँ पर जमा होते हुए आसानी से इस पहले गेम को लेके चले गए। ये बेस्ट ऑफ थ्री है दोस्तों, पहला गेम ईएक्सडी जीत चुका है और आगे के दो आइए देखते।